BFF स्टूडियो बेस्ट फैशन फॉर एवर जीन्स टॉप लोबर टी शर्ट हुडीज इंडो वेस्टर्न जैकेट्स एवं गर्ल्स वेयर की आकर्षक श्रृंखला हमारा पता है गौर मूर्ति कोतवाली रोड चौरसिया मंदिर के पास सागर। बीते दिनों सागर के बहेरिया थाना अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में मीनाक्षी लोहा फैक्ट्री में सेल्स टैक्स का छापा पड़ने से हड़कंप मच गया। विभाग की कार्यवाही इतनी गोपनीय और सटीक थी कि जो निरंतर दो दिन तक जारी रही। सेल्स टैक्स की कार्यवाही से फैक्ट्री और वहां के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस कार्यवाही की सूचना ना तो पुलिस को थी ना ही कंपनी मालिक को। जानकारी कहती है कि बीते 3 माह से विभागीय टीम इस फैक्ट्री की निगरानी कर रही थी, जिसके बाद टीम ने यहां अब छापामार कार्रवाई की है। वाणिज्य कर विभाग ज्वाइंट कमिश्नर GS कवर के मुताबिक मोबाइल डाटा अध्ययन करने पर सतना और सागर संभाग में व्यापार करने वाली मीनाक्षी फैक्ट्री पर जब GST एनी बिल पेपर इनपुट आउटपुट का अध्ययन कर विस्तृत जानकारी मांगी तो इसमें भिन्नता पाई गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। यहां टीम ने मौके से 30 से 35 ट्रकों को जाँच के दायरे में लिया है। इसके अलावा उन पर 20 से 25 हज़ार की पेनाल्टी भी लगाई गई है। बता दें कि शुक्रवार से शुरू हुई वाणिज्य कर विभाग की एंटी एविजन टीम की सर्वे की कार्यवाही शनिवार देर रात पूरी हो गई। कल हम लोग लगभग 12:30 बजे यहाँ पे इस फैक्ट्री पे एंटर किए और कल से अभी तक लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी स्टाफ वगैरह की कार्रवाई हो रही है, स्टाफ लिया जा रहा है और बेसिकली यहाँ पे जो स्क्रैप आ रहा है, स्क्रैप के बाद लोहे की सरिया बनने का काम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इसमें कुछ इरेजन की जानकारी मिली थी, टैक्स इरेजन की, तो डाटा एनालिसिस किया गया, उसके आधार पर कुछ जानकारियाँ एकत्रित की गई, डेटा एकत्रित किया गया तो ऐसा मिला कि इनके इनपुट और आउटपुट रेशियो में काफ़ी डिफरेंस है। उस आधार पर वो हमारा बेस बना कार्रवाई का और कल जो है 12:30 बजे हम के सामने और कर अपवचन का मामला सामने आने के बाद कंपनी ने 2,95,00,000 रुपए जमा करे हैं। अभी आकलन होना बाकी बताया जा रहा है, इसलिए यह रकम और भी बढ़ सकती है। फिलहाल विभाग की टीम अन्य जरूरी दस्तावेज भी कंपनी में खंगाल रही है। मकरोनिया से हरगोविंद प्रजापति के साथ जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।